इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सोनभद्र के दुद्धी से, जहां स्थानीय मराठा शिवाजी तालाब शाम होते ही देखते ही देखते 5100 दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। सुनहरी रोशनी से छठकी घाट की जगमग व अद्भुत छटा देखने को जनसैलाब उमड़ पड़ा। वाराणसी के विद्वान पंडितों के द्वारा देवी दीपावली के पूजन के लिए हजारों लोग साक्षी बने। इसके बाद गंगा आरती का नजारा देख लोग आनंदित हो उठे। उधर संकट मोचन मंदिर प्रांगण में विहिप के द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगोली बनाकर दीप जलाए गए। मेरा नाम अरुण कुमार कनौजिया है। ये शिवाजी मराठा तालाब पे आज काफी दिव्य और भव्य कार्यक्रम देखा गया, क्योंकि ऐसा जानकारी है कि ये तहसील प्रशासन के द्वारा किया जाता है। कब से हो रहा है और इसका क्या मोबाइल दिया रखिए आप। ये कार्यक्रम विगत 9 वर्ष, आज इस वर्ष 10वां वर्ष है, और हमारे तत्कालीन तहसीलदार जितेंद्र सिंह जी थे, उनके द्वारा जो है इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। उसी समय से इस कार्यक्रम का अध्यक्ष हमें बनाए, उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को निरंतर करते रहना है। उनके जाने के बाद भी इस कार्यक्रम को जो है निरंतर मेरे द्वारा और यहाँ दुद्धी के निवासियों के द्वारा जोड़ करके, सारे समाज को जोड़ करके इस कार्यक्रम को, और अपने लेखपाल साथियों के, जो मेरा संघ है, अमीन संघ है, और प्रशासनिक हमारे जितने भी अधिकारी हैं, उनके सहयोग से इस कार्यक्रम को सम्पन्न कराया गया। और आज जो है देव दीपावली पे 5100 दीयों का जो है दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम को सफल बनाया गया लोगों के सहयोग से, और काशी के विद्वान पंडितों द्वारा जो है गंगा आरती का भी प्रोग्राम था। उसमें आज गुड्डू जौहरी, कृपा शंकर कानू जी द्वारा, और भी कई साथी, दीपक जौहरी द्वारा, अरविंद जी द्वारा, सुरेंद्र गुप्ता द्वारा, रिंकू जी द्वारा, कई लोगों के द्वारा सहयोग से और इस कार्यक्रम को जो है सफल बनाया गया है। आज शिवाजी मराठा तालाब पे काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी दिव्य और भव्य कार्यक्रम देखने को मिला। क्या कार्यक्रम था और उद्देश्य? पिछले 10 वर्षों से तत्कालीन यहाँ पे नायब तहसीलदार थे जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने बहुत छोटे स्तर पे देव दिवाली का आयोजन किया था काशी की धरती से प्रभावित होकर, और धीरे धीरे करते करते आज 10वें वर्ष में प्रवेश किया, और आज बहुत ही भव्य यहाँ पर कार्यक्रम देखने को मिला, जिसमें देव दिवाली दीपों का तो आयोजन किया ही गया, साथ में भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें काशी की धरती से जो ब्राह्मण आते हैं और जिनकी पूरे विश्व में मांग होती है, पूरे भारत में मांग होती है, वो यहाँ पे आए थे, और भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया, और उसके पश्चात बहुत ही भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें 10,000 लोगों के भंडारे की व्यवस्था है और भव्य आतिशबाजी की व्यवस्था है। और यही कारण रहा कि इतना बड़ा भीड़ और जन समुदाय और माताओं बहनों को आने का क्रम आपने देखा होगा।